नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीटीज ब्रदर एजुकेशन में। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से 20 तारीख को जो सेकंड शिफ्टिंग का एग्ज़ाम हिंदी MIL का हुआ है, इसका आंसर की देखेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग का आंसर की इसके डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, वह पूरा हो बन चुका है। तो चलिए बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, देश से पुल्लिंग शब्द है, नगर पालिका स्त्रीलिंग शब्द है। जी हाँ, दोनों सही है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साफ क्वेश्चन नहीं दिखाता होगा तो हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही मेरे पास ऐसा आया है। एक और बात दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जो भेज रहे हैं साफ साफ खींच कर पिक के भेजिए फोटो। चलिए, दो नंबर करा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, दो का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंसर मिलाते चलिएगा। तीन देखिए कह रहा है, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी अन्याय करना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चार कह रहा है, अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी संतोष मिला, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर चार का। चलिए पाँच कह रहा है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है, तो पाँच का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाधा दूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन छः कह रहा है, सांप छछुंदर की हालत मुहावरे का अभिप्राय है, दुविधा, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दुविधा होना। सात नंबर एक और, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए दोस्तों, सात का आपका करेक्ट आंसर इसमें असत्य पूछ रहा है, तो यह डी हो जाएगा। संधि और समास दोनों में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना, यह गलत है, क्योंकि संधि में सिर्फ होती है, समास में नहीं होती है। चलिए आठ नंबर देखिए कह रहा है, महाधन ऋषि महर्षि क्या होती है? तो आठ का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गुण स्वर संधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नौ नंबर देखिए कह रहा है, शुष्क वृक्ष रचना में निरस्तरोहित विलासिता पूरत कौन कहता है? तो कौन कहता है, नौ का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाणभट्ट कहते हैं। चलिए दस कह रहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना मंगर में मंगर की पत्नी का नाम क्या है? तो भकोलिया है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ग्यारह देखिए, धुर्मुख खरगोश किस विधा की रचना है? तो यह जो है रेखा चित्र है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्यारह का। बारह देखिए, बारह का आप लोगों का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पल्लास। चलिए अगला क्वेश्चन तेरह कह रहा है, दिनकर ने अपनी रचना मंदिर और राजभवन में किस जननायक का स्मरण किया है? तो तेरह का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन चौदह देखिए कह रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक गतजीवित में अज्ञेय की कौन सी रचना संकलित है? तो शत्रु है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चौदह का। पंद्रह देखिए, भोर का तारा एकांकी में स्थान के रूप में किस नगर का नाम है? तो उज्जैनी है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सोलह देखिए, सोलह का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शेखर है। भोर का तारा एकांकी में छाया किसकी प्रेस यानी प्रेमिका है? तो शेखर की। चलिए अगला क्वेश्चन सत्रह कह रहा है, निकृष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नी नहीं होगा, सिर्फ नी होगा। अठारह देखिए, इनमें से तद्दित प्रत्यय है, तो कौन सा है? अठारह का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी है। उन्नीस देखिए, उन्नीस का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्य काल में जो है, देखिए यहाँ पर नहीं कह रहा है। बीस कह रहा है, कर्ता के ने चिन्ह में पूर्णतः पूर्णभूत का उदाहरण है, तो किसका है? बीस का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर देखिए, राम ने रोटी खाई, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई जगह परमेशनाथ रेणु का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? इक्कीस का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 4 मार्च 1921 को हुआ था। 22 देखिए, कितने चौराहे उपन्यास की अधिकांश घटनाएं कहाँ घटित हुई है? तो अररिया कोट पूर्णिया में। चलिए अगला क्वेश्चन 23 देखिए, कितने चौराहे उपन्यास किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है, एक ध्रुव कुंडू जो है, एक बच्चा है यानी युवा बच्चा है, उसी पर समर्पित है। 24 देखिए कह रहा है, कितने चौराहे उपन्यास में मनमोहन के शहरी विद्यालय में मित्र थे? तो यह जो है सभी थे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 कह रहा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है, तो कौन है? अज्ञेय है, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 26 देखिए, 26 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा,
तरौनी दरभंगा में है। 27 दिन कह रहा है इनमें से डॉक्टर श्यामानंद किशोर की रचना नहीं है, तो कौन नहीं है? 27 का आपका करेक्ट आंसर, देखिए दोस्तों यह डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। 28 देखकर कह रहा है दिंगनाग सुन के रचनाकार कौन है, तो 28 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा श्यामानंद किशोर हैं। 29 देखिए यहाँ पर साफ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ आपबीति कुछ जगबीति पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1930 में उम्र कितनी पाती, तो 21 वर्ष की, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 30 देखिए 30 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उर्मिला। 31 देखिए कह रहा है प्रेमचंद की कहानी में बड़े भाई साहब लेखक से कितने वर्ष बड़े हैं, तो 5 वर्ष बड़े हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जो है साफ भेजिए, पिक जो भेज रहे हैं उसको खींच कर खूब अच्छा से यानी साफ भेजिए। 32 देखिए कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ में किस शहर के पात्रों की कथा है, लखनऊ की है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 देखिए 33 क्या है, 33 नहीं दिखाई दे रहा है। 34 देखिए 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पयोद। 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, शोकाग्रस्त में समास थे, तो 36 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। 37 देखिए 37 में लाभालाभ में द्वंद्व समास होता है, सी करेक्ट आंसर। 38 देखिए अमर का विलोम शब्द मृत, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 39 देखिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द, तो 39 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कनिष्ठ होता है। 40 देखिए पूर्व का विलोम शब्द उत्तर होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी विलोम शब्द नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। 41 देखिए कह रहा है इनमें से सफल का विलोम नहीं है, तो कौन नहीं है? कुफल जो है विलोम शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है। 42 देखिए कह रहा है संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सन उपसर्ग है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 इनमें से कौन सा निराला की रचना नहीं है, तो कौन नहीं है? 43 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आंधी नहीं है। 44 देखिए कह रहा है बर दे बीड़ा वादनी कविता किस कवि की है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 45 देखिए कह रहा है सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था, तो 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1900 में हुई थी। 46 देखिए कह रहा है रेणु के उपन्यास कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष है, तो 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1966 में है। देखिए दोस्तों पेपर फर्स्ट जो हुआ था आप लोगों का एग्जाम वह तो ठीक ठाक था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेवल जो है हाई कर दिया है, फर्स्ट सीटिंग का ठीक ठाक था। 47 देखिए कह रहा है आधुनिक काव्य की मीरा कहा गया है, तो महादेवी वर्मा का करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। 48 देखिए इनमें से रामाधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो कौन नहीं है? 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दीप शिखा नहीं है। अगला क्वेश्चन 49 देखिए 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 49 का आपका ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा यह लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 का भी करेक्ट आंसर धर्मवीर भारती हो जाएगा। चलिए 51 कह रहा है कितने चौराहे उपन्यास में इतिहास के अध्यापक का क्या नाम है, तो क्या नाम था? हाफिज था, मोहम्मद हाफिज, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 52 देखिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस विधा की रचना है, तो 52 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निबंध है। 53 देखिए 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आत्मकथा। 54 देखिए बड़े भाई साहब में दो पात्र हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 55 देखिए 55 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्रामकालीन युवा मानसिक। 56 देखिए 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम क्या है, तो क्या नाम है? सी, मानसरोवर है। 57 देखिए मधुआ कहानी का मुख्य चरित्र है ठाकुर साहब का पुत्र, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 58 देखिए इनमें से उपन्यासकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु की मुख्य विशेषता है, तो 58 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आंचलिकता है। 59 देखिए
59 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर श्यामानंद किशोर। 60 देखिए, 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रु, ये हो जाएगा सॉरी 60, 60 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर भोर का तारा, 60 का ये नहीं होगा डी होगा। 61 देखिए, 61 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आषाढ़। 62 देखिए, उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 63 देखिए, भारती के नाम कवि का पत्र में भारती कौन है, तो कवि की बहन करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। 64 देखिए, 64 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा श्यामानंद किशोर। 65 देखिए, इधर इनमें से कौन सा मैथिली चरणगुप्त की रचना नहीं है, नहीं यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। 65 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पारिजात। 66 देखिए, कह रहा है भारती किसकी रचना है, तो मैथिली चरणगुप्त करेक्ट आंसर ही हो जाएगा 66 का। 67 जयशंकर प्रसाद का है, तो जयशंकर प्रसाद हैं एक क्या है उपरोक्त में से सभी है। 68 देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कहाँ है, तो होशंगाबाद करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 69 देखिए, 69 का आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 पर देखिए, 70 क्या कह रहा है, तो 70 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सरबतिया, इसमें हो जाएगा। 71 देखिए, 71 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्रांतिकारी कलम में। 72 देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। 72 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मजिस्ट्रेट। 63 देखिए, 63 का आपका करेक्ट आंसर कीर्त्यानंद हो जाएगा, सी हो जाएगा। 74 देखिए, कितने चौराहे उपन्यास का नायक है कौन है, तो मनमोहन है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन 75, 75 का आपका करेक्ट आंसर जगमोहन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 76 कह रहा है, 76 का आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मनमोहन नानंद। अगला क्वेश्चन 77 देखिए, 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मास्टर हफीज साहब। 78 देखिए, 78 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भागलपुर। 79 देखिए, 79 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्रियवर्मन राय। 80 इधर देखिए, 80 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चित्रकूट। 81 हाथ से मृत्यु का ऐसा अमर, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 81 का सी, ताज से लिया गया है। 82 देखिए, 82 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दीप और छाया, दीपक और छाया सॉरी। 82 का आपका मंदिर दीप हो जाएगा, 82 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इधर देखिए 83 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रामाधारी सिंह दिनकर। 84 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अगहन। 85 का आपका करेक्ट आंसर बिना देखे सी हो जाएगा। 84 देखिए सॉरी 86 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हिमालय। 87 क्या कह रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 87 का आपका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 88 देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी अपनी पत्नी को प्यार से किस नाम से, तो रानी नाम से बुलाते थे, 88 का ये हो जाएगा। 89 देखिए, मनोहर पोथी हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 90 देखिए, 90 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भोर का तारा। 91 देखिए, यहाँ पर 13 गध गध जीवंत है, जो आप लोगों को बीए पार्ट वन में पढ़ना है तो 13 प्रकार के गध जीवंत पढ़ना है, 13 सब्जेक्ट हैं, और 91 का सी हो जाएगा। 92 देखिए, 92 का ए हो जाएगा वाल्मीकि। 93 देखिए, इनमें संस्कृत पुल्लिंग शब्द नहीं है, देखिए संस्कृत पुल्लिंग शब्द नहीं है तो सतीत्व यानी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 94 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मधु। 95 देखिए, 95 का बी हो जाएगा पाला बोधिनी। 96 देखिए, 96 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा काशी दुर्दशा। 97 देखिए, सी हो जाएगा कृष्ण
हरियोध की कविता माता यशोदा के अंतिम छंद में किसको संबोधन है, तो कृष्ण, सी हो जाएगा 97 का। 98 इधर देखिए, 98 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हम कौन थे। 99 देखिए, 99 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा चिलियान वाला। 100 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो कैसा लगा वीडियो, कितना आप लोग टच किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 100 का आप लोग करेक्ट आंसर बी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी बंदी खाना किस कवि की रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।